हेलो पीपल, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था वैष्णो देवी वाला, तो आज उसके अगले दिन का अगला दिन है, क्योंकि जो कल था वो मैंने व्लॉग पूरा रिकॉर्ड नहीं करा। तो आज अगले दिन, अभी टाइम हो रहा है करीब 2 बज रहे हैं, हम लोग करीब 12:30-1 बजे तक सो के उठे थे आराम करके और नहा धो के निकल गए हैं। अभी तो हम मोमोज खाने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा प्लान है परेड जाने का। वहाँ मतलब मार्केट है, सस्ते में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो देखते हैं परेड जाके पहले मोमोज खाने चलते हैं। कि कल हम ऐसे लोकल जम्मू घूमे थे, तो वही लेने गए थे, कुछ घर वालों के लिए शॉपिंग करने गए थे। बाकी देखो, आज अमृतसर जाने का सीन है, तो अभी नहा धो के सुबह के 6 बज रहे हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं। अब अमृतसर की बस पकड़ेंगे, 3-4 घंटे में अमृतसर पहुंच जाएंगे। गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग वगैरह जाने का सीन है, तो बाकी देखते हैं, रखते हैं आपको अपडेटेड। बाकी जुड़े रहिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपने वैष्णो देवी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो, लिंक आपको यहाँ पर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो आप ट्रिप देख रहे हो वैष्णो देवी की, उसमें काफ़ी थकान हुई, पैरों में काफ़ी दर्द भी हुआ, बट बिलीव मी इट्स वर्थ इट। बाकी यार, यहाँ पर जो नॉर्मल चलना वलना भी होता है मार्केट के लिए, वो भी मतलब काफ़ी चढ़ान है यहाँ पर जम्मू में, रास्ते काफ़ी ऊपर नीचे हैं, चढ़ाने उतरने, तो उसमें भी काफ़ी चलना वलना हो जाता है। कल भी वैष्णो देवी के बाद भी हम करीब कम से कम रात ही रात को जब हम खाना पीना खाने गए थे, तो करीब 5-6 किलोमीटर ऐसे चल गए थे आने जाने में, होटल से खाने वगैरह तक। तो ये देखो, ये जहाँ अभी मैं रुका हुआ हूँ, क्या सीन है, नीचे से पूरी ढलान है और यहाँ तक पूरा चढ़ान आ रही है। रुको, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये जो आप देख रहे हो, ये कम से कम नहीं तो 60 डिग्री से ऊपर एलिवेटेड चढ़ान होगी जहाँ पर मेरा होटल है। और ये जम्मू में नॉर्मल है, मतलब रास्ते आपको प्लेन भी मिलेंगे और ऊपर नीचे भी मिलेंगे, तो चलना तो काफ़ी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आए हैं घूमने तो तनाव चलता है। बाकी चलो चलते हैं, वो तैयार हो गया है, अमृतसर के लिए निकलते हैं। तो अपन यहाँ खड़े हैं बस के इंतज़ार में, पर बस कर रही है नखरे, आ ही नहीं रही है, 10 मिनट हुए खड़े खड़े, देखते हैं बस तो आ जाएगी। खैर, बाकी आज जहाँ जा रहे हैं गोल्डन टेंपल वगैरह, वहाँ वैसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पर मोबाइल अलाउड करते नहीं हैं, बट जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे शूट, बाकी देखते हैं। बस यहाँ रुकी हुई है 15 मिनट के लिए, तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, तो यहाँ ढाबे पे रुके हैं, हम परांठे वरांठे खाएंगे, तो और परांठे खाएंगे। बाकी अब सिम भी चालू हो गई है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जम्मू में जो नॉर्मल सिम होती है वो चलती नहीं है, सिर्फ पोस्ट पेड सिम काम करती है, मतलब अगर आपके नेटवर्क भी नहीं आएंगे, नेट भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं, नथिंग, तो सिर्फ पोस्ट पेड सिम काम करती है जम्मू के अंदर, बट अब सिम चालू हो गई है। बट अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपना ब्लॉग तो वैसे भी सिम की क्या जरूरत है ब्लॉग बनाने में, तो चलो अपना अच्छा करना चलते हैं, उसके बाद सीधे अमृतसर उतरेंगे। तो सुबह सुबह मस्त एकदम गरम गरम पराठे आलू के, गरम गरम छोले के साथ, गरम गरम चाय के साथ, ओहो मज़ा ही आ गया। मतलब और जो मैं आपको बताया था सिम के बारे में, तो उसकी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिम जो पोस्ट पेड सिम है वो आराम से मिल जाती है, वहाँ पे इतनी दिक्कत होती नहीं है। बाकी हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साहिल था उसके पास, वो सिम थी, तो इतनी दिक्कत नहीं है, इतनी तो दिक्कत आती नहीं है, वहाँ पर मिल जाती है। बाकी चलते हैं, आप बैठते हैं बस में, आप सीधे अमृतसर उतरेंगे, और अब आधा से ज़्यादा रास्ता कम्प्लीट हो चुका है, बच्चे को रास्ता सोते हुए निकालेंगे।
चढ़ दी यहाँ तालाब नहीं चाहिए अंकल जी, नहीं चाहिए। बाबा जी गए नानी करी थी इसको, ये वो लोग तो अब हम लोग यहाँ गोल्डन टेम्पल पहुँच चुके हैं। अमृतसर हम लोग करीब 12 बजे पहुँचे थे, तब लिटरली 12 बज रहे थे, मेटाफोरिकली भी और लिटरली भी। और अभी अब हम यहाँ गोल्डन टेम्पल पहुँच चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि सामान वहीं बस स्टैंड पे जमा हो जाएगा, पर वहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पर हमें लेके आना पड़ा। हम अकेले सामान के साथ घूम रहे थे, पर अब यहाँ जमा हो गया सारा सामान। गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हैं, बाकी देखो दिख रहा होगा गोल्डन टेम्पल। भाई गोल्डन टेम्पल में फोन अलाउड कैसे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी तो कह रहा है एक्सपीरियंस से। तो मैं कह तो रहा हूँ तो अपना रुमाल बांध ले, सही बंदा रहेगा। कहाँ मछली ये रही। ओ हाँ तो अब हम मेन टेंपल गोल्डन टेंपल से बाहर आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी करीब करीब अभी 5:15 हो रहे हैं और तकरीबन 2 घंटे लग गए हमको मेन टेंपल में एंटर होने में, क्योंकि जो लाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। और उस दर्शन करने के बाद हमने लंगर में खाना भी खा चुके हैं, यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। मान लीजिए पहले जलियांवाला बाग को कहेंगे, उसके बाद वहाँ से आके यहाँ से सामान कलेक्ट करके वापस बस स्टैंड जाना है। Thank you.
वैष्णो देवी का अलग, अमृतसर का अलग, चंडीगढ़ का अलग, भाई बहुत हर किसी दिन की बहुत सारी वीडियोस हैं। तो भी अभी तो रह रहे हैं, फिर बस स्टैंड तक नहीं रहे, बस स्टैंड आ गया वो तक टाटा वाले करते हैं। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, नो टेस्ट। अबे तो तूने बाकी जगह तो किया था, सुबह भी करा तूने भाई, और कहीं तो क्लिप्स मिल नहीं रही थी, तो पन्ना पड़ रहा था क्यों जम्मू तक क्लिप्स नहीं मिलती थी, तो वो तो अलग ब्लॉग हो गया ना, आज के लिए क्लिप नहीं थी, आज की कौन सी क्लिप थी। हां तो अभी तक जितना भी जलियांवाला बाग था मैंने आपको सारा दिखा दिया है, अगर आपको इसकी स्टोरी पता है, इसकी हिस्ट्री पता है, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस पता होगा जो भी मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं, और अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता तो यार आपको पता होनी चाहिए, एक बार गूगल पे आके देखो। बाकी जलियांवाला बाग तो मैंने आपको दिखाई दिया, पूरी सैर कराई दी है, बाकी अब यहाँ से रात को ही निकलेंगे हम खाना वाना खा के, तो इस ब्लॉग को करते हैं रैप, और तब तक के लिए अलविदा।